ओके हेलो गाइस, टू कंटिन्यू विद द सेशन जो हमारा लास्ट सेशन था, जिसमें हमने यू नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा किसी भी कंडक्टर के ऊपर, अगर हमने कंडक्टर पे चार्ज दिया, चार्ज आपको कहाँ मिलेगा, इसको हमने गॉस लॉ की मदद से सॉल्व करने की कोशिश की। सो यू अंडरस्टूड कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है। अभी देखिए ध्यान से उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अपने को ये बात समझ में आती है कि अगर हम किसी अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर को हमने चार्ज दिया है, अगर हमने कंडक्टर को चार्ज दिया, सपोज वी आर गिविंग प्लस टू चार्ज, तो ये चार्ज कहाँ पे मिलेगा। हमने एप्लीकेशन देख लिया कि दिस चार्ज विल अपीयर ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे चार्ज होगा, इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अगर सरफेस पे चार्ज होगा तो हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, सिग्मा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मैं आपके सामने विदाउट प्रूफ स्टेट कर रहा हूँ। This sigma is proportional to 1 upon radius of curvature. इसका मतलब जहाँ पे radius of curvature ज़्यादा होगी, वहाँ पे sigma कम होगा, और जहाँ पे radius of curvature कम होगी, वहाँ पे sigma ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये radius of curvature कैसे decide होगी? कि कितनी जल्दी आप turn मार रहे हो, जितनी जल्दी turn मार रहे हो, radius of curvature उतनी ज़्यादा, क्या उतनी कम? उतनी कम। क्योंकि अगर आप sharp turn मारते हो, तो radius of curvature कम होगी, radius of curvature कम होगी, तो वहाँ पे sigma ज़्यादा होगा। इसीलिए this is a non-avoidable situation. आपको अगर इस टाइप का कोई कंडक्टर है, इस टाइप का अगर आप यहाँ पे ले आओगे, इस टाइप का एक शार्प वेज रहेगा, तो इस शार्प वेज में काफी ज्यादा चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगी, एंड सिग्मा विल बी हियर, द सिग्मा विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड इन दिस एरिया सिग्मा विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये बड़ा लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिग्मा इज हायर एज कम्पेयर टू सिग्मा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहाँ पे शार्प टर्न्स आ रहे हैं, खट से टर्न ले रहा है, क्या वहाँ पे सिग्मा काफी ज्यादा होगी? और सिग्मा अगर काफी ज्यादा होगी, This leads to electrostatic pressure. अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, और वो सरफेस जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इट कैन रप्चर आल्सो। इसीलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मशीन्स में जो जनरल शेप आपके कंडक्टिंग सरफेस का होता है, वो राउंड होता है, स्फेरिकल शेप जनरली दिया जाता है, ताकि हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहे, बराबर, मतलब सिग्मा सब जगह पे क्या होनी चाहिए, सेम, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, और उस कंडक्टर के ब्रेकेज के चांसेस या रप्चर के चांसेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट इज द बेसिक कांसेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज वी से दैट, सपोज फॉर एग्जांपल मैं ये केस लेता हूं, मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, लेकिन मेरा जो कैविटी है, ये कैविटी जो है, ये मतलब कोई भी एक आड़ा तिरछा शेप का है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, और यहाँ पे मान लो मैंने प्लस क्यू चार्ज दी है, तो प्लस क्यू चार्ज दी है अगर मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगी, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इस कैविटी के इनर वॉल में, और बाहर प्लस क्यू चार्ज होगी। तो बाहर जो प्लस क्यू चार्ज होगी, क्या ये बाहर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, सेम, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इनसाइड वाले कैविटी में क्या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। इसको समझने का एक और तरीका, मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है विद कैविटी, इस टाइप से कैविटी है। अब ध्यान समझिए, मान लो मैं चार्ज यहाँ पे सेंटर पर रखता हूँ, इस कैविटी के सेंटर पर चार्ज रखता हूँ विद हेल्प ऑफ अ कॉटन थ्रेड एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ये प्लस टू चार्ज हमने दिया, तो अगर मैं इसे सेंटर पर रखता हूं, तो इसे कैविटी पे जो चार्ज डेवलप होगा माइनस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज कैविटी पे डेवलप हो रहा है, और बाहर के सरफेस पे भी प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा टू मेंटेन द ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंडक्टर। बट यहाँ पे बाहर में भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अंदर में भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसी का एक और वेरिएशन देखिए, आपको समझ में ऐसा क्यों हुआ? अरे देख, ये सेंटर पे है ना भाई, ये अगर सेंटर पे है तो क्या इनसाइड कैविटी पे उतना ही चार्ज इंड्यूस करेगा माइनस क्यू? बिकॉज हमने इससे पहले इसका लॉजिक समझे थे, हमने गॉसियन सरफेस कहाँ पर बनाया था? कंडक्टिंग मटेरियल पे बनाया था। कहाँ बनाया था? कंडक्टिंग मटेरियल पे। तो कंडक्टिंग मटेरियल में अगर हमने गॉसियन सरफेस बनाया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस कितना होता है? जीरो। तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे दिख रहा था, तो इसमें माइनस क्यू चार्ज इसके इनसाइड वॉल में, कैविटी के इनसाइड वॉल में इंड्यूस हुआ, और वो माइनस क्यू बिकॉज ये यूनिफॉर्म सेंटर पे था, तो ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था इसके इनसाइड के, और इसके सरफेस पे फिर से प्लस टू चार्ज आया, बिकॉज सरफेस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो इसीलिए प्लस टू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और बिकॉज ये सेंट्रली लोकेटेड था, इसलिए माइनस टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक और केस लेते हैं, समझते हैं चीजों को कैसा होगा। आइए, फिर से कैविटी है, लेकिन अब इस कैविटी में प्लस टू चार्ज इधर है। अब ये प्लस टू चार्ज इधर होने के कारण यहाँ पे ज्यादा माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ एज कम्पेयर टू इस जगह पे,
और यहाँ पे जो बाहर वाला सरफेस है, बाहर वाला सरफेस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहाँ पे बाहर होगी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और अंदर होगी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर है? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बाहर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अंदर में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्या ये क्लियर है आपको? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अब एक यू नो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की बेसिकली यहां से देखो, ये मान लो आपने चार्ज दिया, ये चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी होगी, हाउ द इलेक्ट्रिकल फील्ड विल लुक लाइक। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसी होगी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हर जगह से रेडियली आउटवर्ड निकलेगी बाहर, हर जगह से रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिकल। ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड विल मेक सम एंगल विद द रेडियल आउटवर्ड, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसा कुछ एंगल पे होगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर और एक टेंजेंशियल, जो कि इसके सरफेस के चार्ज को मूव कराएंगे, बिकॉज़ सरफेस पे आपको इनेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि देखिए इनसाइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड पूरा क्या है, जीरो। आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में पढ़ा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गिवन बाय माइनस डीपी बाय डीआर, माइनस डीपी बाय डीआर जीरो है, इसका मतलब क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है? समझ नहीं आया, इसका मतलब क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है? तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई साहब। तो जो आपकी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुई है वहां पे, तो इट इज इस पर्टिकुलर केस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस सरफेस पे सभी पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम होनी चाहिए। और लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड अदर देन दिस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हुआ, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के एक कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, जो कि यहां के चार्जेस को मूव कराएगा इसके सरफेस पे, जो सरफेस के चार्जेस है उसको मूव कराएगा। और अगर सरफेस के चार्जेस मूव किए, इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में सरफेस के चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसका मतलब दो पॉइंट का पोटेंशियल अलग-अलग होगा। बट हम पहले ही बोल चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सो आर वी अराइविंग इन अ डायकोटोमी। इसीलिए जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड कभी भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन से एंगल बना नहीं सकती अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल है। तो अगली बात समझ में आई है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ध्यान से देखिए। अच्छा, इसके बाद और क्या कर सकते हैं? तो ये आपको, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होना मतलब माइनस डी बाय डी आर इज जीरो, माइनस डी बाय डी आर जीरो मतलब डी बाय डी आर जीरो। अच्छा, डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है? कांस्टेंट का। इसका मतलब पूरा सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पूरा सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या क्लियर है ये पॉइंट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्या क्लियर है? ध्यान से देखिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यू नो कि एक कंडक्टर है, मान लीजिए यू आर हैविंग अ कंडक्टर, कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी? जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड? अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज़ ये नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, तो सरफेस में जो चार्ज होगी क्या ये अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग होगी? तो मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है जस्ट आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं फिर से गॉस लॉ का सहारा लूंगा। मैं एक छोटा सा गॉसियन सिलेंडर लूं, ये छोटा सा एरिया जो गॉसियन सिलेंडर एनक्लोज करता है, ठीक है? सपोज वी से दैट दिस एरिया इज dA और इस जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, ठीक है? तो गॉसियन सरफेस, तो हम अगर यहां पे गॉस लॉ लगाएं व्हिच इज इक्वल टू e वेक्टर डॉट dA वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ध्यान से अगर हम देखें इस बात को e वेक्टर डॉट dA वेक्टर, यहां पे देखिए e वेक्टर डॉट dA वेक्टर इस जगह पे जस्ट आउटसाइड हमने गॉसियन सरफेस लिया है, जस्ट आउटसाइड क्या करेंगे? तो जो हमने सिलेंडर लिया है, तो यहां पे ये जो एरिया है, इस एरिया के दो पार्ट होंगे। हमने एप्लीकेशन देखा था, यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें निकालना है, तो हमें गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल बनाने की जरूरत है। तो ये dA के दो पार्ट हम कर सकते हैं, एक जो कर्व सरफेस एरिया है और एक जो फ्लैट एरिया है। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है कर्व सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसको मैं यहां पे बनाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए। ये कर्व सरफेस एरिया देखिए, कर्व सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। सिमिलरली इधर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। आपको समझ में आ रही है बात?
लेकिन ये जो फ्लैट सरफेस एरिया है इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, क्या दोनों दोनों के बीच का एंगल जीरो है। अब ध्यान से देखें, ये गॉसियन सरफेस को अगर आप देखोगे तो कर्व सरफेस एरिया और फ्लैट एरिया में भी दो, एक इनर और एक आउटर। आउटर मतलब जो कंडक्टिंग सरफेस के सॉरी जो जो सरफेस के बाहर है, कंडक्टिंग सरफेस के बाहर है, बिल्कुल सही। और एक जो इनर जो कंडक्टिंग सरफेस के अंदर है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली जीरो हो गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, ये जीरो कंट्रीब्यूशन देगा, राइट। अब फ्लैट सरफेस एरिया में इनर वाला तो कंडक्टिंग मेटल के अंदर प्रेजेंट है, तो इनर वाला का इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड इस जगह पे क्या होगी, जीरो होगी, तो इनर वाला का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब आउटर वाला देखें, आउटर वाला के लिए क्या E इलेक्ट्रिकल फील्ड जो भी है E into dA, इनके बीच में एंगल cos 0 है, तो E into dA is equal to charge enclosed by person, charge enclosed कितना हो जाएगा, सिग्मा dA, क्योंकि देखो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज़ ये सरफेस आधा तिरछा है सर, इसके तो रिलेटिव कर्वेचर हर जगह पे अलग अलग है, तो सिग्मा अलग अलग होना चाहिए, बिकॉज़ आप ही ने पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले कि सिग्मा इज फंक्शन टू वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बिकॉज़ रिलेटिव कर्वेचर अलग अलग है तो सिग्मा अलग अलग है, लेकिन क्या इस छोटे से एरिया के लिए हम मान सकते हैं कि उस छोटे से एरिया के लिए सिग्मा कॉन्स्टेंट है, तो अगर उस छोटे से एरिया के लिए सिग्मा कॉन्स्टेंट है तो E into dA will it be equal to sigma dA, that is the charge enclosed upon epsilon naught, क्या dA dA को कट कर दूं, क्या इससे मेरा आंसर आ रहा है E is equal to sigma। So this is the electrical field just outside the conducting surface. अच्छा ये electrical field, because हमने ये Gauss law लगाया, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, because याद कीजिए Gauss law में ये E net आता था, याद है आपको? ये E net सभी charges के कारण उस जगह पे electrical field होती थी। ये E net क्या थी? सभी charges के कारण उस जगह पे electrical field। आपको ये बात समझ में आती है? तो अब सवाल ये है कि ये जो आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली है, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, भाई साहब एकदम क्लियर होना चाहिए, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज जस्ट अबाउट दिस एरिया बिकॉज़ ऑफ ऑल द चार्जेस। ऑल द चार्जेस मतलब ये जो सिग्मा डीए चार्ज आपने यहां पे लिया जो एनक्लोजर के अंदर है, प्लस क्या एनक्लोजर के बाहर भी पूरा रिमेनिंग चार्ज है, मान लो टोटल चार्ज क्यू है, तो एनक्लोजर के अंदर कितना चार्ज है, सिग्मा डीए, और बाहर q माइनस सिग्मा डीए, तो q माइनस सिग्मा डीए और सिग्मा डीए क्या सभी चार्जेस के कारण उस जगह पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। मेरी बात समझ आई है? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टिंग सरफेस वेयर द चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी वेयर वी आर कंसीडरिंग जस्ट आउटसाइड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज वी आर हैविंग द सिग्मा और सरफेस चार्ज डेंसिटी एज सिग्मा, देन इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या अलग-अलग जगहों पे ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग-अलग होगी? हां, क्योंकि अलग-अलग जगहों पे सिग्मा की वैल्यू अलग-अलग है, तो अगर हम अलग-अलग जगहों पे सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो क्या हम अलग-अलग जगह पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बता सकते हैं? हां, क्या मेरी बात समझ में आई? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज कोऑपरेट। हेलो फ्रेंड्स, सो हम जो डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे उसी के आगे एक और नेट टर्म की आप लोगों में डिस्कशन करेंगे हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, राइट। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, हमने इससे पहले क्या डिस्कशन किया था कि आपकी जो सिग्मा है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन RC, क्या अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग सिग्मा होगी? मैंने आपको बताया था कि शार्प पेजेस अवॉइड किए जाते हैं क्योंकि शार्प पेजेस पे सिग्मा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण क्या पूरी कंडक्टर जो है वो रप्चर कर सकती है, तो इसीलिए ये सजेस्टेड होता है इंडस्ट्रियल डिजाइंस में कि आपके जो भी सरफेसेस बन रहे हैं जहां पे भी चार्जेस रिलेटेड चार्जेस जहां पे जहां चार्जेस हो सकते हैं, तो ऐसे सरफेसेस को जनरली कैसे बनाया जाता है, राउंड। इसलिए आपने इंडस्ट्रियल मशीनरी देखी होगी, उनके जो भी फ्री सरफेसेस होते हैं या कंडक्टिंग मेटल सरफेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप, राउंड शेप, इस टाइप के शेप्स होते हैं, राइट। अभी देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये एक नया टर्म है, ये क्या है आप समझिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक सरफेस के ऊपर एक तनाव, एक खिंचाव उत्पन्न होता है, एक टेंशन रहती है, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज एनफ टू ब्रेक इट मेनी अ टाइम, दैट इज व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, कैसे निकालेंगे? देखिए जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे हमने पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा हमारे लिए मान लो एक छोटा सा एरिया मैंने dA कंसीडर किया है, तो हमारा एरिया है यहां पे dA, फोर्स क्या हो जाएगा, क्या फोर्स हो जाएगा E into charge dQ that is present in this area, तो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू अभी हमने निकाली थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अब भी निकाली थी इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड दिस, कितनी निकाली थी
which is sigma by epsilon naught, sigma by epsilon naught into dq. dq kya ho jayega? Sigma dA upon dA. So kitna aa gaya? dA dA cut value I sigma square upon epsilon naught. कुछ भी गड़बड़ लग रहा है आपको इस डेरिवेशन ध्यान से एक मिनट देखिए कुछ भी गड़बड़ लग रहा है आपको इस डेरिवेशन क्या लगता है आपको ये सही है या गलत है ये गलत है अब समझते हैं सर जी क्या गड़बड़ हो गई अब ध्यान से समझिए आप इस बात को मुझे एक बात बताइए मान लो यहां पे एक चार्ज है q1 यहां पे एक चार्ज है q2 और यहां पे एक चार्ज है q3 तो अगर मुझे इस q3 के ऊपर नेट फोर्स चाहिए नेट फोर्स ऑन q3 ऑन q3 तो इसे मैं क्या लिखूंगा इसे मैं लिखूंगा q3 into electrical field created because of q1 q2 q3 q2 q3 q1 q3 और q1 q2 सोच के बोलना देखो जब आपने बेसिक चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में पढ़ी थी बेसिक चार्जेस राइट बेसिक चार्जेस के कारण फील्ड क्रिएट होती है चार्जेस के कारण फील्ड क्रिएट होती है चार्जेस जो फील्ड क्रिएट करते हैं आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में जो भी चार्जेस अदर देन दैट मास्टर चार्ज होती है उनके ऊपर फोर्स लगा सकती है अगर मैं मास्टर चार्ज हूं मैं फील्ड क्रिएट कर रहा हूं तो मैं आजू बाजू में जो चार्जेस प्रेजेंट है उसके ऊपर फोर्स लगा सकता हूं लेकिन मैं खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता इसका मतलब द मास्टर चार्ज व्हिच क्रिएट्स द फील्ड इट कैन एग्जर्ट फोर्स ऑन एनी अदर चार्जेस व्हिच आर कमिंग इन इट्स फील्ड बट नॉट ऑन इटसेल्फ तो इसीलिए ये q3 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा q1 और q2 के फील्ड के कारण एंड बाय सुपरइंपोजिशन प्रिंसिपल वो हो जाएगा q3 into, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं e1 वेक्टर प्लस e2 वेक्टर e1 इज इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएटेड बिकॉज़ ऑफ q1 एंड e2 इज इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएटेड बिकॉज़ ऑफ q2 क्या बात समझ में आ रही तो अब आप समझें कि यहां पे गड़बड़ क्या हुई फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं गड़बड़ ये हुई कि जब आप इसके बाहर में इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाले थे जस्ट आउटसाइड इट व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके कारण थी याद करो मेरे लेक्चर को ध्यान से देखना मैंने बताया था एक बार कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है बिकॉज़ ऑफ द चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस डीए रीजन व्हिच इज सिग्मा इनटू डीए एंड ऑल द अदर रिमेनिंग चार्जेस क्या गॉस को जब हम लगाएंगे तो जब हम गॉस को लगाते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्लोज लूप इंटीग्रल ई डॉट डीए ये e e net होता है e net because of all the charges present and where we are finding the e net on the surface of the conductor तो इस surface of the conductor में यहाँ पे जो electrical field हम निकाल रहे हैं it is because of all the charges present on the conductor आपको समझ में आ रही है बात तो इसके कारण क्या हुआ कि हमें जब इस area के ऊपर pressure चाहिए तो हमें इस area पे लगने वाले forces चाहिए but इस area के ऊपर लगने वाले forces because of all the other forces होगी ना इसके खुद के electrical field के कारण ये थोड़ी ना खुद के ऊपर force लगाएगा भाई वो बात गॉस लॉ में टेकन केयर नहीं की गई थी क्या यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हम निकाल रहे थे क्या वो सभी चार्जेस के कारण थी बहुत ही अच्छा और सटल पॉइंट है आपको समझना चाहिए एक कांसेप्ट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए तो यहां पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इट इज बिकॉज़ ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर लेकिन हमें जब इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो हमें इसके ऊपर फोर्स कौन लगा सकता है क्या क्या यहां पे जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या वो खुद के ऊपर फोर्स लगा सकती है अरे नहीं लगा सकती भाई अभी तो पढ़ा और ये बेसिक है ये आपको पता होना चाहिए कि जो मास्टर चार्ज है वो इर्द-गिर्द के सभी चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा सकता है खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता डिड यू अंडरस्टैंड एकदम क्लैरिटी के साथ समझना चाहिए अब ध्यान से तो फिर करें क्या सर समझें ये जो यहां पे जो ई नेट आया ये ई नेट किसके कारण आया इट इज ई बिकॉज़ ऑफ चार्ज ऑन डीए प्लस ई ऑन चार्जेस इन एरिया अदर देन डीए I hope you are understanding what I'm trying to say. ठीक? तो मुझे यहाँ पे electrical field अब E net की value कितनी आई थी? Sigma by epsilon naught. अच्छा, मुझे electrical field चाहिए other than DA वाला, क्योंकि उसका electrical field यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे जो charge है, इस charge के ऊपर जो remaining charges electrical field बना रही है, वही यहाँ पे present DA charge के ऊपर force लगाएगी. खुद DA में जो charge present है, वो खुद के ऊपर force लगा नहीं सकता. क्या क्लियर है ये अब समझते हैं तो सिग्मा पे इनेट आया सिग्मा पे एप्सिलॉन नॉट ईडीए कितना है ईडीए अब डीए निकाल ईडीए निकालने का तरीका अब ध्यान से सुनिए आपको याद है मैंने आपको बोला था कि गॉस लॉ जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन नहीं आपने ये बात ध्यान से नोट की होगी अगर आपने नोट नहीं की थी तो मैं आपको बताता हूं देखिए हमने ये बात पढ़ी थी कि इनफाइनाइट शीट के सामने इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट
इनफाइनाइट शीट के सामने, लेकिन इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, एक छोटा सा एरिया भी इनफाइनाइट हो सकता है। मान लो मैंने ये डीए एरिया लिया, ये डीए एरिया कितना, मान लो मैंने 1 mm स्क्वायर लिया है, लेकिन इसके जो जितने करीब मैं ये जो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये डिस्टेंस d, अगर ये डिस्टेंस d 10 टू द पावर -15 मीटर हो गया, तो क्या 1 मिलीमीटर स्क्वायर के इस एरिया के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस काफी कम है, या 1 mm into 1 mm जो डाइमेंशंस इस एरिया के हैं जिसके कारण ये एरिया बन रहा है, तो उसके कंपैरिजन में ये d काफी छोटी है। तो क्या मैं इस एरिया को इस d के कंपैरिजन में, मैं यहां पे लिखता हूं dA in comparison to small d is infinite, क्या आपको समझ में आ रही है? मतलब मेरी हथेली भी इनफाइनाइट बन सकती है अगर मैं इसके साथ कितना डिस्टेंस लूं, 10 टू द पावर -6 मीटर, क्या मेरी हथेली भी इनफाइनाइट बन सकती है? हां, प्लीज समझिए, आपने मदरबोर्ड में या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो सर्किट्स में आप सर्किट देखते होंगे, ग्रीन ग्रीन कलर कैपेसिटर्स होते हैं, क्या वो छोटे-छोटे होते हैं कैपेसिटर्स? बहुत छोटे होते हैं वो, लेकिन क्या फिर भी हम वहां पे कैपेसिटर से इनफाइनाइट प्लेट, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड दो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की होती है, एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट के कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन होती है, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन, लेकिन ये कैसे कर सकते हैं, ये जादू कैसे होता है? ये जादू ऐसे होता है बेटा कि जो प्लेट की एरिया है उसके कंपैरिजन में जिस डिस्टेंस में हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं वो काफी नेग्लिजिबल है, इट इज कंपैरिजन इज टू द ट्यून ऑफ दिस ऑर्डर, सो कैन अंडरस्टैंड इट। तो समझिए, इंफिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म, आपका हाथ भी इनफाइनाइट हो सकता है, आपकी उंगली इनफाइनाइट हो सकती है, डिपेंडिंग अपन कि उस उंगली के लेंथ के कंपैरिजन में आप कहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, राइट? तो देखिए ध्यान से, तो dA इज कंपैरिजन टू d इज इनफाइनाइट, सो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी ये dA के बाजू में, जस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज ऑन dA विल इट बी इक्वल टू सिग्मा बाय गॉस एप्सिलॉन नॉट होगा क्या? अरे पढ़ा था गॉस लॉ में भाई, इनफाइनाइट प्लेट के सामने इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय गॉस एप्सिलॉन नॉट, इनफैक्ट हर लेयर ऑफ चार्ज के कारण सिग्मा बाय गॉस एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है। अच्छा, प्लस ई इलेक्ट्रिकल फील्ड अदर देन dA, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड अदर देन dA ये कितना हो जाएगा बेटा? क्या ये हो जाएगा सिग्मा बाय गॉस एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो आपके मतलब क्या अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम बात कर रहे हैं ये अदर देन dA वाला, क्या ये अदर देन dA में जो चार्ज थी उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बना? अब देखिए आपका फार्मूला एकदम सही आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला फिर से मैं लिखता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या ये हो जाएगा F अपॉन A, F को क्या लिखूं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो थी जो है सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या इस छोटे से dA में जो चार्ज प्रेजेंट है, इज इट सिग्मा dA अपॉन बोलिए अपॉन एरिया क्या लूं dA, क्या dA कट गया, क्या रिजल्ट आया सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द करेक्ट रिजल्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्या बात समझ में आई है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस एंटायर लॉजिक? किताबों में इतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं आती है, प्लीज ध्यान से देखें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट दिस वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका लिंकेज आपको मिलेगा सोप बबल टाइप प्रॉब्लम्स में जो सरफेस टेंशन के होते हैं, वहां पे पता है आपको आप सोप बबल के ऊपर चार्ज भी छिड़क सकते हो जिसके कारण सोप बबल के अंदर एक एक्स्ट्रा तनाव या प्रेशर डेवलप होगा विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये चीज भी वहां जुड़ जाएगी। अरे एक्सेस प्रेशर पढ़ा है ना, वही है बढ़िया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी उसके साथ जुड़ जाएगा अगर आप उस बबल के ऊपर चार्ज का छिड़काव करते हो तो। क्या समझ में आई ये बात? ठीक है, उसके बाद में हम लोग बाद में देखेंगे क्या आपको ये क्लैरिटी आई है, प्लीज नोट इट डाउन।